स्वारघाट कस्बे में चोरों का खौफ हर तरफ फैला हुआ है। रविवार देर रात अज्ञात चोरों ने स्वारघाट के लोअर बाजार में एक दुकान के ताले तोड़े, तो वहीं नालागढ़ रोड पर एक बंदूक रिपेयर की दुकान और गुजरहट्टी में एक दुकान के ताले तोड़कर हजारों की नकदी और सामान चोर ले उड़े। चोरी की इस वारदात से स्वारघाट बाजार में सनसनी का माहौल है। हालांकि स्वारघाट के लोअर बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरी की घटना कैद हुई। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच में पता चला है कि दो लोग सफेद स्कूटी पर सवार होकर आए थे और चोरों ने रात करीब 2:04 पर स्वारघाट के लोअर बाजार स्थित मनियारी की एक दुकान के ताले तोड़े। लेकिन फुटेज इतनी क्लियर नहीं है जिसके चलते स्कूटी का नंबर पता चल पाए और ना ही इस फुटेज में स्कूटी सवार पहचाने जा रहे हैं। तो मैंने ताले देखे नाली में, मैं बाइक में से उतरा, ताले मेरे नाली में दो ताले, मैंने ताले किसके है, तो मैंने शटर की ओर ध्यान दिया तो मेरे ताले थे ही नहीं दुकान में लगे हुए और शटर बीच बिल्कुल लगा के गए हुए थे वो। जब मैं शटर खोला तो मैं देखा अंदर मेरे हार थे लटके हुए 2500 रुपये के, 2500 रुपये हार ले गए। एक रेन सूट था मैंने लटकाया हुआ, रेन सूट था वो बाहर के वैसे हैंगर में लटकाया हुआ, उसको भी ले गए वो। और गले में मेरा 200-250 रुपये की पर्चियाँ, लगभग 200-250 होगा, वो भी ले गए। और उसके अलावा शायद ऐसा लगता है जैसे इसमें से कुछ क्रीम में आ रहा, दो एक दो चीज क्रीम के, एक दो सेंट भी ले गए होंगे वगैरह वगैरह। और यही है बाकी मेरे 4 पर वो नालागढ़ की तरफ से आए और मेरी दुकान के आगे एकदम मेरी दुकान के आगे खड़े, जैसे वो उन्होंने मेरे दुकान को पहले देखा हुआ था वैसे। बस उधर से उन्होंने उसको टर्न करके फिर नालागढ़ की ओर लगा दिया बाइक, अपनी बाइक नहीं थी उसको, मतलब स्कूटी थी। स्कूटी सीसीटीवी कैमरे में उनके मतलब फोटो आ रही है वैसे, पर चेहरे नहीं पहचाने जा रहे कौन है, ना नंबर धुंधला धुंधला आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा उसका। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए स्वारघाट से ऋषभ प्रभाकर की रिपोर्ट।